रत्ना अपने बेटे दिनकर के साथ कोंडापल्ली नाम के गांव में रहती थी। पिता के ना होने की वजह से दिनकर एक स्टील प्लांट में काम करता था। माँ बेटा दोनों रुपए पैसों के बड़े लालची थे। माँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, तुम चिकन करी, अंडा करी या फिश करी क्यों नहीं पकाती? आज कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो बनाती हूँ, मेरा मन भी हो रहा है, बहुत दिन हो गए। वो दिनकर को कुछ पैसे देती है। दिनकर कुछ पैसे लेकर बाजार से उन चीजों को लाने के लिए चल पड़ा। इसी बीच परमेश्वर नाम का पंडित उनके घर आया। उसे देखकर, आइए पंडित जी, आपसे जो कहा था कुछ हुआ उसके बारे में? मैं इसी वजह से इधर आया हूँ और आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। पहले बताओ वो लोग कितना दहेज देंगे, फिर बताऊंगी रिश्ता कैसा है। बोलो। सब कुछ मिलाकर 25 लाख देने को तैयार हैं। दहेज के बारे में सुनकर रत्ना के चेहरे पर चमक आ गई और वो सोचने लगी, दिनकर ने जो पढ़ाई की है और जो तनख्वाह वो कमा रहा है, उसके लिए मुझे दहेज के रूप में केवल 10 लाख की उम्मीद थी, लेकिन 25 लाख तो काफी बड़ी रकम है। हम ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। रत्ना अभी सोच में पड़ी ही थी, जिसे देखकर पंडित बोल उठा, 25 लाख का दहेज सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मेरे हिस्से की भी तो सोचो। उसकी बातें सुनकर रत्ना वापस चेतन्य हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जितना ज्यादा दहेज वाला रिश्ता ला पाएंगे, आपका हिस्सा उसी हिसाब से मिलेगा। फिकर मत करिए, खुश रहिए। उसकी बातें सुनकर पंडित परमेश्वर बहुत खुश हुआ। इस बीच दिनकर अंडा, फिश, चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर घर वापस आ गया। बेटा देखो, पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वो लोग 25 लाख रुपए का दहेज देने को तैयार हैं। लड़की के बारे में बता रहे हैं, जरा तुम भी सुनो। दिनकर ने तुरंत जाकर रसोई में सारा सामान रख दिया और पंडित की बात सुनने बैठ गया। इसके बाद शादी तय हो गई और दुल्हन के पिता ने उन्हें शादी से पहले ही दहेज की रकम दे दी और शादी बहुत अच्छी तरह से की। कविता रत्नम के घर बहू बनकर आई। शादी के बाद दिनकर और उसकी पत्नी को एक साथ रहते सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। कविता, मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है, अपने माता पिता के पास जाओ और तुरंत इसका इंतजाम करो, बहुत जरूरी है। मैं उनसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगी अब, उन्होंने पहले ही मेरी शादी के लिए अपना घर बार बेच दिया है और अब वो खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। आपको देने के लिए उनके पास कोई पैसा बाकी नहीं। उस दिन के बाद से माँ और बेटे ने कविता के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसे थप्पड़ मारते, उसका हाथ जलाते और उसे हर तरह से दुखी करने की कोशिश करते। सुबह से लेके शाम तक काम कर करके कविता थक्के चूर हो जाती थी। रात के 11 बजे तक माँ बेटा टीवी देख रहे थे। दूसरी तरफ अपने जख्मों को देख रो रोकर कविता चटाई पर लेट गई और सोचने लगी, हे भगवान, अगर मेरा दूसरा जन्म होगा तो मुझे ना तो लड़की बनाना और ना ही लड़का, मुझे या तो एक पालतू जानवर बनाना या फिर एक बड़े अमीर आदमी की बेटी, ताकि मैं अपने ससुराल वालों को एक बड़ी रकम दहेज में देकर उनका मुंह बंद रख सकूं और यह अत्याचार मुझे ना सहने पड़े। भगवान से प्रार्थना करते हुए कविता की नींद लग गई। इस बीच दिनकर धीरे से उस कमरे में आया और कविता को गहरी नींद में देख चुपचाप अपनी मां के पास गया। मां, कविता गहरी नींद में सो रही है, तो चलो वो करते हैं जो हमने। हां, हमें हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उसके कमरे में पहुंचे। चलो, जो सोचा था उसे अंजाम देते हैं, डरने की जरूरत नहीं, दूसरी पत्नी लाकर दूंगी तुम्हें जो बहुत दहेज लाएगी, समझे?
फिर दिनकर ने उसके मुंह पर एक पट्टी लगा दी और रत्ना ने उसके पैर बांध दिए। और जब वो छटपटाने लगी तो दिनकर ने उसके हाथ भी बांध दिए। फिर वे उसे उठाकर पास के एक कुएं पर ले गए। कविता बचने की कोशिश में दिनकर की पीठ पर मारने लगी। कविता ने उन्हें कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं थे कि वे क्या कहना चाह रही है। कोई नहीं देख रहा, डालो जल्दी कुएं में। दिनकर ने उसे कुएं में फेंक दिया और मां बेटा दोनों घर वापस आकर सो गए, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। जब कविता डूब रही थी तब एक परी उसके बचाव में आई। कविता ने हीरे और गहनों को चमकते हुए देखा। जब वो नीचे की ओर गिर रही थी, परी ने अपने दोनों हाथ रख दिए और कविता उसकी हथेलियों पर खड़ी हो गई। परी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और परी की आंखों से सुनहरी किरणें कविता पर पड़ी और तुरंत वो बंधी हुई रस्सी से छूट गई। कविता ने परी के आगे हाथ जोड़े और रोने लगी। तब परी ने कविता से पूछा, उदास मत हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्यों और किसके लिए रो रही हो तुम? देवी, मैं अपनी खातिर नहीं, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर रो रही हूं। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? जब परी ने ऐसे पूछा तो कविता ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरे मना करने पर उन्होंने और ज्यादा पैसे मांगे और मुझे पूरी तरह मारा पीटा। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना कहकर परी ने उसे सोने, हीरे और कीमती रत्नों से भरे संदूक दिए। सुबह सुबह जब रत्नम बाहर आई तो उसने देखा कि कविता खड़ी मुस्कुरा रही है और उसके सामने काफी सारा सोना पड़ा है। शुरू में उसे लगा कि कोई भूत है और वो चीखने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर दिनकर दौड़ता हुआ बाहर आया। फिर कविता घर के अंदर आई और उसने सभी सोने के गहने और बाकी कीमती सामान उन्हें दिखाया। उन चीजों को देखकर माँ बेटा बड़े खुश हुए। मुझे ये सारी चीजें कुएं ने दी हैं। कविता की बात सुनकर दिनकर बिना किसी देर के एक रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया और कीमती सामान की तलाश करने लगा, लेकिन उसे वहां पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने कुएं के अंदर काफी देर तक इंतजार किया कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन फिर निराश हो रस्सी के सहारे वापस ऊपर आया। कविता, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये चीजें कहां से मिली हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा, ये सब कुएं ने दिया। जब मैं कुएं की तह तक गया मुझे तो पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। बेवकूफ मत बनाओ। तभी कुएं से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकली। मूर्खों को कभी कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। जब तक तुम कविता को राजकुमारी की तरह खुशी से रखोगे तब तक तुम माँ बेटा दोनों के साथ कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अगर कविता को कुछ भी हुआ तो याद रखना। उन शब्दों को सुनकर माँ बेटा डर गए, वो रोशनी गायब हो गई। उस दिन से वो दोनों कविता की खूब देखभाल करने लगे। पर्वतपुर नामक गांव में गंगा नाम की एक लड़ाकू औरत रहती थी। जब भी वो बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि लड़ रही हो, इसीलिए लोग उससे कम से कम बात करते थे और अगर दो तीन शब्द बोलते भी थे तो बदले में सुनाई गई उसकी बातों से घबरा जाते थे। उसका पति गोविंद उसकी कही हुई हर बात सुनता था और वो कभी भी उसकी कोई बात नहीं टालता था, यहां तक कि उसका बेटा आकाश भी। एक दिन सुबह सुबह बाहर आंगन में, गोविंद सुनो, जैसे ही वो चिल्लाई उसका पति एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच लेकर उसके सामने आ गया। उसे इस हालत में देखकर गंगा ने पूछा, मैंने तुम्हें उन चीजों के साथ तो आने के लिए नहीं कहा था? जब भी बुलाती हो तो मुझे जैसे हो वैसे ही तुरंत आने के लिए कहती हो, तो आज भी मैं वैसे ही दौड़ता हुआ आ गया, बोलो। इतना कहकर गोविंद जल्दी से किचन में गया और उन चीजों को वहां छोड़कर दौड़ते हुए गंगा के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई थी? मैं सुबह से अखबार का इंतजार कर रही हूँ। पेपर वाले ने कहा आज नहीं आएगा। फिर सोचो आज मेरा क्या हाल होगा। वैसे ये तो बुरी आदत है ना,
अगर तुम्हारे पास अखबार नहीं है तो तुम वॉशरूम भी नहीं जा सकती, अपना रोज का काम भी नहीं कर सकती, कहीं बाहर जाओगी तो क्या करोगी? उन सब चीजों को मैं देख लूंगी, तुम उन बातों की चिंता मत करो, पहले जाओ और पेपर लेकर आओ। वही पुरानी कहानी, कब तक? तुम इतना बड़बड़ क्यों कर रहे हो आज? जाओ और अखबार लेकर आओ और मुझे आज की खबर पढ़कर सुनाओ, फिर मैं अपने रोज के काम करना शुरू करूं। अभी करी बन रही है, पहले मुझे खाने का काम खत्म करने दो, फिर जाकर अखबार ले आऊंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो तुम? गंगा की बातें सुनकर गोविंद घबरा गया, इसलिए वो तुरंत बाजार की ओर दौड़ पड़ा और अखबार लेकर गंगा को पढ़कर सुनाया। तब कहीं जाकर गंगा फ्रेश होने गई और गोविंद ने वापस किचन में जाकर खाना बनाना खत्म किया और हॉल में आ गया। तब तक आकाश भी तैयार होकर हॉल में आ गया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूं। गंगा, अब हमें अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए, मैं घर के बाकी काम कर करके थक गया हूँ। मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर परेशान हो गई हूँ, बहू पकाएगी तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा, जल्दी से ढूंढते हैं उसके लिए। हमारा बेटा एक बड़ा अफसर है, इसीलिए एक अच्छे घर की अमीर और पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढनी चाहिए हमको, तभी उसे पसंद आएगी। बेवकूफी मत करना, अमीर नहीं गरीब लड़की चाहिए मुझे तो, समझ गए? हाँ हाँ सब समझ गया। अगर तुम एक अमीर लड़की लाती हो तो तुमको उसके इशारों पर नाचना होगा, अगर तुम एक गरीब लड़की लाओगी तो तुम उसे अपने इशारों पर नचाओगी। ये सुनकर वो गुस्से से गोविंद की ओर देखती है, लेकिन गोविंद वहां से खिसक लेता है। गंगम्मा एक गरीब घर की लड़की के लिए कोशिश करती है और कावेरी को चुनती है। गंगम्मा ने सोचा कि अगर वो लड़की को ज्यादा लाड़ प्यार से रखेगी तो वो सास को सास नहीं समझेगी, इसलिए वो सास के रूप में अपना सिक्का जमाने के लिए कावेरी पर रौब गांठने लगी। कावेरी की दयनीय हालत देखकर गोविंद चुप रह जाता था। अरे लड़की कहां मर गई, सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ सासू माँ, रसोई में खाना बना रही हूँ, आपका बेटा जल्दी ऑफिस जा रहा है। खाना बनाने में और कितना समय लगेगा, तुम देर रात तक जागती हो और सुबह देर तक सोती रहती हो। इतना कहकर वो उसके पास जाती है और उसके सिर पर एक मुक्का मार देती है। बिचारी कावेरी, उसे चोट लगती है, वो अपने आंसू पोंछती हुई रसोई में चली जाती है। अब ये रोना धोना बंद करो, हमेशा अपना लटका सा चेहरा लेकर घूमती रहती हो। उसकी बातें सुनकर कावेरी मनी मन बहुत दुखी होती है। किसी भी उठपटांग कारण से गंगा कावेरी पर चिल्लाती ही रहती। माँ की इन हरकतों को देखकर भी आकाश एक शब्द नहीं बोल पाता था, लेकिन आकाश कावेरी से प्यार करता था और माँ से छुप छुप कर उसको खाने के लिए फल, आइसक्रीम और मिठाइयां लाकर देता था। कावेरी अब माँ बनने वाली थी। डॉक्टरों ने क्या कहा बेटा? पिताजी वो ऐसे बोले कि, जैसे ही वो गंगा को बताने लगा, मुझे पता है डॉक्टरों ने क्या कहा होगा, कि उसे अंडे, दूध और सारा पौष्टिक भोजन खिलाना है, और क्या कहेंगे डॉक्टर, ठीक कह रही हूं ना मैं? हाँ माँ सच है, कावेरी का शरीर अभी मजबूत नहीं है, अगर वो कमजोर रहेगी तो बच्चा भी नहीं बढ़ेगा और बच्चा भी मजबूत नहीं होगा, शरीर के अंग कमजोर रह जाएंगे। तुम्हारी सब बात सुन ली मैंने, पर मैंने भी दुनिया देखी है तो तुम मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। सब जानते थे कि गंगा किसी भी बात को नहीं मानती। कावेरी के माँ बनने के बारे में पता चलने पर उसकी बहन उससे मिलने आती है। वे दोनों आपस में बातचीत कर रही थी कि गंगा वहां आ गई। अरे मेघना कब आई? अभी एक घंटा पहले आई हूँ, आप कैसी हैं आंटी? मुझे कोरोना हो गया है, मरने जा रही हूँ, चलेगी साथ? अगर मैं साथ चलूंगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा और कौन सबको बताएगा कि आप मर गई हैं? इसीलिए नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। मेघना की बातें सुनकर गंगा गुस्सा हो जाती है, पर मेघना एक मेहमान है ये सोचकर वो चुप रहती है, वरना एक थप्पड़ ही जड़ देती। लेकिन तब भी उससे रहा नहीं जाता। और मैंने सोचा था कि तुम बहुत भोली हो, लेकिन तुम तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। आंटी सामने वाला जैसा सवाल करे वैसा ही जवाब देना चाहिए, जब मैं अपना असली रंग दिखाऊंगी तो बोलती बंद हो जाएगी। इतना कहकर वो गुस्से से कावेरी की ओर देखती है। कावेरी घबरा कर वहां से उठकर पौधों को पानी देने लग जाती है। ये देखकर गंगा खुद ही हंसने लगती है। मेघना को उसका इस तरह हंसना बिल्कुल पसंद नहीं आता।
उसे जरा भी होश नहीं है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है। चिल्लाती है तुम पर, धमकी देती है, तुमसे सारे काम करवाती है, और इस समय उसे मना करना भी मुश्किल है। अब मुझे गंगा को अपना असली रंग दिखाना होगा। एक बार सही समय आने दो, देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारी सास के साथ। सबके सामने तो ये सब करना ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए वो अकेले में गंगाम्मा को एक अच्छा सबक सिखाने के मौके की प्रतीक्षा करती है, जिससे कि अपने आप सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेघना बस मौके का इंतजार ही कर रही थी। एक दिन उनके दोनों पति शहर चले गए। बेटा ऑफिस में था और गंगा घर पर अकेली थी। मेघना ने उसका मुंह कसकर पकड़ लिया और उसे कंधों पर उठाकर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया, और कावेरी एक कोड़ा लेकर उस पेड़ के पास आई जिससे गंगा बंधी थी। मारो इसे कोड़े, तुम्हारे कोड़े मारने से ही इसका दिमाग ठिकाने आएगा। इतने जोर से कोड़े मारो कि सब बुराई शरीर से भाग जाए और कुछ सही अकल आए। ये मेरे लिए माँ जैसी है, मैं इनको इस तरह कैसे पीट सकती हूँ? मैं बताती हूँ कि कैसे पीटना है। मेघना ने उसे दो बार चाबुक मारा और गंगा दर्द से रोने लगी। ये देखकर कावेरी ने मेघना से तुरंत कहा, मेघना उनको छोड़ दो, मत मारो। मैंने अपनी सास को इस हालत में कभी नहीं देखा। मैं उसे अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। अगर हमारी अपनी माँ होती तो क्या हम ऐसा कर सकते थे? उसकी बातों को सुनकर गंगा गहरी सोच में पड़ गई। मेघना चाबुक फेंक कर वहां से चली जाती है। कावेरी बंधी हुई रस्सी को तुरंत खोल देती है। गंगा तुरंत कावेरी को अपने गले लगा लेती है। कावेरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, अब से तुम डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आराम करो, धीरे धीरे आराम से ही काम करो, और जो काम ना कर पाओ तो मुझे बताओ, मैं कर लूंगी। उस दिन से गंगा कावेरी की अच्छे से देखभाल करने लगी।